बॉलीवुड फिल्मों की बात आते ही स्क्रीन पर दिखने वाले सुपरस्टार्स आंखों के सामने आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिनकी फिल्मों ने कई एक्टर्स को स्टार बना दिया। हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा की। शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है और किंग मेकर थे यश चोपड़ा। इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी साल 1990 में। ये वो दौर था जब आज बॉलीवुड के बड़े खान बन चुके आमिर और शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था। हालांकि आमिर खान 1991 तक कयामत से कयामत तक और दिल है कि मानता नहीं जैसे सुपरहिट फिल्म दे चुके थे, मगर शाहरुख के खाते में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म थी दीवाना। दीवाना में शाहरुख की रोल की तारीफ तो हुई थी, मगर वो लीड रोल में नहीं थे। शाहरुख एक लीड रोल वाली ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। इसी बीच यश चोपड़ा ने डर बनाने की तैयारी शुरू की। इस फिल्म के लिए आमिर का स्टारडम देखते हुए यश जी ने रोल उन्हें ऑफर किया, लेकिन आमिर खान नेगेटिव रोल सुनकर घबरा गए। कहानी चुनने में माहिर माने जाने वाले आमिर ने यश जी से सभी किरदारों की पूरी स्क्रिप्ट मांगी। यश जी को यह बात अखर गई और उन्होंने ये रोल किसी और को देने की सोची। सामने आया शाहरुख खान और उन्होंने बिना कुछ सोचे रोल ले लिया। बस इसी के बाद उनके किंग बनने का जो सफर शुरू हुआ वो अब तक जारी है। कहा जाता है कि इसके बाद आमिर और यश जी के संबंध काफी खराब हो गए थे। डर के रिलीज के दौरान शाहरुख का स्टारडम छाने लगा। इसके बाद उनकी फिल्म बाजीगर आई, इसमें भी शाहरुख का नेगेटिव रोल था। ग्रे शेड के ये दोनों रोल शाहरुख को आमिर से मीलों आगे ले गए। इस बात की टीस आमिर के दिल में हमेशा रही। यहीं से यश जी और आमिर के बीच दूरियां बढ़ने लगी। यश ने शाहरुख का हाथ थाम लिया और आमिर खान अलग हो गए।